भारतीय एयरटेल टारगेट देखेंगे तो कभी नहीं बेचेंगे। भारतीय एयरटेल का अगर आप टारगेट देखेंगे तो कभी नहीं बेचेंगे, ऐसा ही सिचुएशन आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है भारतीय एयरटेल के स्टॉक के ऊपर। तो क्या है वो टारगेट, किसने रखा है, क्या वो टारगेट सच में अचीव होने का दमखम स्टॉक रखता है, इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल की बात करें तो 9 अक्टूबर 2020 का यहाँ पर अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखें एनएसई के ऊपर जो कि है 425 रुपये पे ऊपर भारतीय एयरटेल का स्टॉक ने यहाँ पर 9 अक्टूबर को क्लोजिंग दी है। और अगर आप यहाँ पर देखें इसका 52 वीक लो 325 रुपया, अपने 52 वीक लो से 100 रुपया ही ऊपर है। 52 वीक हाई की बात करें तो 612 रुपया, 612 रुपये के हाई से लेकर अगर आप देखिए इसने करेक्शन दिखाया और 425 तक यहाँ पर आ पहुँचा। तो यहाँ पर क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए आपकी, ये भी मैं आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कशन करूँगा। मार्केट कैप की बात करें, बार बार आपको मैं दिखाता हूँ, मार्केट कैप को एक बार नज़र कीजिए, 2,32,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के लिहाज से भी भारतीय एयरटेल कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, नज़र में रहना चाहिए और आपकी पैनी नजर होनी चाहिए यहां पर कि स्टॉक में जब जब गिरावट हो आप यहां पर मौका ढूंढे बाइंग की, ठीक है। तो ये मेरी रणनीति है, आप यहां पर अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि पैसा आपका है, कहां पर लगाना है वो आप डिसाइड कीजिए। यहां पर जो लक्ष्य निकल के आ रहा है आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने, यहां पर जो कि एक यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म है, यहाँ पर इन्होंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने एक टारगेट दिया है। कितना टारगेट दिया है यहाँ पर अगर आप देखें, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हैज़ गिवन ए बाय रेटिंग टू भारतीय एयरटेल विथ टारगेट प्राइस ऑफ 700, द शेयर प्राइस मूव्ड अप बाय 1.21% फ्रॉम इट्स प्रीवियस क्लोज ऑफ 422 एंड द स्टॉक लास्ट ट्रेड प्राइस 427 रुपया। तो 427 रुपये, ये जो न्यूज़ है ये आपको बताना चाहूँगा इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर बाई ETMarkets.com, यानी कि इकोनॉमिक्स टाइम के थ्रू ये जो न्यूज़ है ये आता हुआ आपको दिखाई देगा। और जो डेट है यहाँ पर मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा, 8 अक्टूबर को ये जो डेट है ये न्यूज़ का ये डेट है, 12:50 पर ये न्यूज़ आया था। थोड़ा सा लेट हुआ मैं यहाँ पर आपके अब तक ये न्यूज़ पहुँचाने के लिए, लेकिन मुझको ये न्यूज़ जब भी दिखाई दिया मैंने सोचा कि आपको ये बताना चाहिए कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो की है वो 700 रुपये का टारगेट मानकर चल रहा है साल भर के लिए, 700 रुपये, यानी कि अभी से लेकर अगर आप देखें 8 अक्टूबर से लेकर पिछले साल मतलब अगले साल का जो है ना 2021 का जो 8 अक्टूबर है वो आते आते ये सोच रहे हैं कि इसका जो टारगेट है वो 700 रुपये तक पहुँच जाएगा। तो यही आपको बताना था कि 700 रुपये तक भी ये स्टॉक जा सकता है, क्या ये स्टॉक इतना भाग सकता है, डेफिनेटली भाग सकता है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा, भारतीय एयरटेल में अगर आप निवेश शक है तो बेचने से पहले बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक गलती, आपने देखा था रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक जब 1300-1400 में था लोगों ने भर भर के यहां पर बेच दिया उसको, लेकिन जब यहां पर स्टॉक 2000 के ऊपर निकलता गया तब लोगों ने फिर से खरीदारी करना शुरू किया। तो अभी भी आपके पास आपके हाथ में स्टॉक है, तो बेचने से पहले कम से कम 10-20 बार यहाँ पर आप सोच लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल का जो एक्टिव सब्सक्राइबर है वो उनका अगर आप देखें तो बहुत अच्छा खासा है और क्लाइंट बेस इनका बहुत ही बेहतरीन है, ग्राहक बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर अगर आप देखें तो। इतनी आसानी से अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल का स्टॉक यहाँ पर आपको नीचे बहुत ज़्यादा हुआ नजर नहीं आएगा। मुझको जो लगता है ये स्टॉक आपको बहुत जल्द 600 रुपये का तक का भी टारगेट दिखा दे तो मैं यहाँ पर आश्चर्य नहीं होऊंगा। 612 रुपये इसका एक साल का हाई है। तो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब 11 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको डेट बताना चाहूँगा 9 अक्टूबर को जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है 425 रुपया, यहाँ से स्टॉक अगर डबल भी हो जाता है साल भर के अंदर अंदर तब भी मुझको हैरानी नहीं होगी। लेकिन सर यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जितना स्टॉक ऊपर जा सकता है स्टॉक उतना नीचे भी आ सकता है, तो इसलिए डिसीजन लेने से पहले अपनी यहां पर दिमाग का इस्तेमाल जरूर से कीजिए। यही कुछ बताना था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ जरूर कीजिए, यही आपको बताना चाहता हूं। और आज के इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप भी यहां पर बोर होंगे, तो चलिए वीडियो को यहां पर खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।